सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलिनों के बारे में। अब बलिनो ऐसा कोई नई चीज नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, पुराना ही कॉन्सेप्ट है और मार्केट के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करती है और एक अच्छी मार्केट को भी होल्ड करती है। तो ये मतलब इसका डेल्टा वेरियंट है, ये ऑटोमेटिक है। अब ऑटोमेटिक में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं और ऑटोमेटिक किन बंदों के लिए ज्यादा खास रहने वाली है वो देख के समझ चुके होंगे। अगर आज के टाइम में वीडियो आप देख रहे हो और आज के टाइम में गाड़ी आप सर्च कर रहे हो, कोई ऐसी गाड़ी ऑटोमेटिक हो, कम तेल पीती हो, जिस पर आप भरोसा कर सको, पावर एकदम बढ़िया निकाल के देती हो, कुल मिला के सारी चीजें इर्द गिर्द ऐसे रहने वाली है जो आपको परेशान ना करें, तो ये गाड़ी आप प्लान कर सकते हो। ये इसका डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा से इसके अंदर ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो आपको 7,83,000 के आसपास एक्स शोरूम पड़ती है और 8,79,000 के आसपास ऑन रोड डेली पड़ती है, मतलब 8.79 लाख के आसपास ऑन रोड डेली पड़ती है। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करना। और अभी गाड़ी की चाबी स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको क्या क्या ऑफर कर देते हैं। गाड़ी की चाबी सभी हम शुरू करें तो कुछ इस तरीके की आपको एक चाबी देखने के लिए मिलती है, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेटिक अंदर अलग चाबी आपको मिलेगी, ये कुछ इस तरीके की मिलेगी जहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। दोनों ही चाबियों पे सेम चाबियाँ मिलती हैं और इसको अभी जब आप ऐसे इग्निशन में डालोगे ना, ये देखो यहाँ से तो इसे जब आप एक बार इग्निशन में डालोगे, स्टेयरिंग व्हील जो है अपना अनलॉक हो जाएगा और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो जाता है, तो गाने वाने आप इसमें प्ले कर सकते हो इस सिचुएशन पे। तो हम इसे बंद कर लेते हैं एक सेकंड यहाँ से, तो आप बंद भी कर सकते हो एक प्रेस से, आप इसे म्यूट भी कर सकते हो। और इसे जब आप सेकंड टाइम ऑन कर दोगे ना, जब देखो ये कुछ इस तरीके से ग्लो करता है क्लस्टर यहाँ पे। ये बीच में एक चीज़ है जो आपको अलग मिलेगी, जो है यहाँ पे एन, जो कि इस चीज़ को डिनोट करेगा कि ये न्यूट्रल पे अभी खड़ी हुई है, न्यूट्रल कंडीशन में। तो ये चीज़ है, जब ये मतलब गियर भी शिफ्ट करेगी या फिर डी पे आएगी तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे 8,000 तक के आरपीएम है, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग है, बीच में टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स वगैरह जब भी आप एंगेज करोगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा, फ्यूल वगैरह, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, माइलेज क्या निकाल के दे रही है। ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिल जाती है, मतलब बेसिक जितनी भी नीड है आपकी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसको सेट रीसेट कर सकते हो इंस्टिक के थ्रू। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल हैं कुछ इस तरीके के, हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं कुछ इस तरीके के। अब स्टीयरिंग की बातचीत करें तो स्टीयरिंग पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते जरूर हैं कुछ इस तरीके के, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के। यहाँ से आप इसे म्यूट कर सकते हो, टाइप वगैरह चेंज कर सकते हो, मोड सेलेक्टर बटन है, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, फोन उठाने काटने के लिए बटन है, वॉइस कमांड का फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। स्टेयरिंग की ओवरऑल बात करें तो इस पर कोई लेदर रैपिंग वगैरह तो नहीं मिलती है, बाकी पतला सा है तो काफ़ी स्पोर्टी सा लगता है। नीचे से फ्लैट बॉटम भी है ये, और इधर की साइड ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है इसमें, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, लाइट लेवलिंग डायल है, थोड़ी स्पेस वगैरह है, डिग्गी बोनट खोलने के लिए लेवर है, फ्यूल लिड खोलने के लिए लेवर है। और एक जो सबसे बड़ा चेंज दिखता है वो है नीचे की साइड, यहाँ पे दो ही पैडल्स आपको मिलते हैं, एक्सीलरेशन और ब्रेक, और यहाँ पे अपना सिर्फ ये डेड पेडल दिया हुआ है, मतलब कि एक तरीके से पैर रखने के लिए यहाँ पे थोड़ी प्लेसमेंट दी हुई है ताकि आपका पैर रेस्ट करता रहे, जो आप क्लिच के लिए यूज़ करते हो तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस ये गाड़ी मज़ेदार है ऑटोमेटिक में अगर आप इसे प्लान करते हो तो। ऊपर एक साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की बैजिंग है, दो येलो कलर की रीडिंग लाइट कुछ इस तरीके की मिलती हैं, मैनुअल डिमिंग IRVM भी यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। बाकी अगर आप बलिनो से वाकिफ हो तो आपको पता होगा भाई, सिग्मा और डेल्टा इतने ज़्यादा बिकते हैं इस बलिनो के, जो अभी रिसेंटली आई है, बहुत ही ज़्यादा। रोड पे आपको ऑलमोस्ट डेल्टा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, सिग्मा फिर भी इतना ना देखने के लिए मिले, सिग्मा भी खूब बिकता है वैसे, बट डेल्टा जितना नहीं बिकता होगा, तो बहुत बिकती है भाई ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो अपना गन मेटल स्ट्रिप मिलती है, ब्लू कलर का टेक्सचर है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी आता है बेस वेरिएंट से, नीचे 12 का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट है, थोड़ी स्पेस, दो कप होल्डर्स, ऑटोमेटिक गियर लीवर कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा यहाँ पे। और इससे मतलब इंगेज करने का तरीका आपको बताऊँ तो ये सिंपल डी पे किया, मैनुअल में करने के लिए साइड में ये ऐसे न्यूट्रल, और रिवर्स में करने के लिए इधर की साइड में ऐसे। तो
तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये यहाँ पे हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ फैब्रिक शीट्स मिलती हैं कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा शानदार है भाई, बहुत ज़्यादा गजब की शानदार है। मतलब चौड़ी चौड़ी काफ़ी है, स्पेस गाड़ी के अंदर खूब है, तो वो दिखता भी है, फील भी होता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह और मिल जाती है आपको, पेपर वर्क आप रख सकते हो इजीली। और अभी चलते हैं पीछे, ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, और पीछे की स्पेस की बात करेंगे, फिर गाड़ी के बाहर की प्रोफाइल और लास्ट में इंजन कंपार्टमेंट। सो पीछे जाने से पहले डोर पैनल आपको चेकआउट कराऊं, तो यहाँ पे अपना वो ब्लू थीम है, फैब्रिक है ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का डोर लिवर है, चारों पावर विंडोज हैं, ड्राइवर साइड विंडो जो है ये वन टच अप डाउन भी मिलती है आपको, ये देख सकते हो आप। विंडोज के लॉक हैं, डोर्स के लॉक हैं, यहाँ से अपने ORMs को फोल्ड अनफोल्ड भी आप कर सकते हो सिंपल, और यहाँ से इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हो। स्पीकर है, बोतल होल्डर है, थोड़ी स्पेस वगैरह है। और सीट की बात करें तो ये सीट मेरी हेड के हिसाब से एडजस्टेड है, और ये आपको फोर वे मैनुअल मिलेगी, मतलब कि इसे आप आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल अपना आगे पीछे कर सकते हो, हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलती है। तो अभी इसे एक सेकंड कर देते हैं बंद, और अभी पीछे की स्पेस वगैरह बातचीत कर रहे हैं, तो ये देख लो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, मतलब कि ये यहाँ पे ब्लू कलर का फैब्रिक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर का फैब्रिक है, पावर विंडो है, ब्लैक कलर का डोर लिवर, स्पीकर बोतल होल्डर वगैरह है। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलती है वो ये है कि सेगमेंट में ये गाड़ी स्पेस काफ़ी भर के आपको ऑफर करती है, मतलब ये मैंने पैर फैलाए, ना थाई रूम की कमी है, ना हेड रूम की कोई कमी है, और ना ही ऐसे कोई लेग रूम की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अपना अच्छी खासी स्पेस मिलती है, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो, 12 का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह नहीं मिलती हैं दोनों ही सीट्स पे, एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं, तो ये लो थोड़ी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है, मिनिमल से हम पे, बाकी फिर भी तीन बंदों के यहाँ बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई काफ़ी है अगर एक हैचबैक में किसी से कंपेयर करें तो। पीछे भी फैब्रिक सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलती हैं, ऊपर साइड एक दो तीन ग्रैब हैंडल्स हैं, कुछ इजी अपना इस तरह से इजी फोल्ड होते हैं, कोट वगैरह हैंग करने के लिए यहाँ पे मिलता है, पीछे एक रीडिंग लाइट भी मिलती है यहाँ पे। और अभी गाड़ी के बूट की बात करते हैं कि बूट में कितनी स्पेस मिलती है। तो अभी गाड़ी के बूट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन मिलती है, जैसे प्रेस करके आप अपना बूट ईजिली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह आपको मिल जाती है, 318 लीटर्स की बूट कैपेसिटी है, जो कि सो मच प्रैक्टिकल है, मतलब कि काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, कुछ भी सामान आप रख के ले जा सकते हो अपना, पांच बंदों का तो इजीली चला जाएगा एक एक बैग अगर लेके जाते हो। और यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है ये आपको अपोलो का मिलेगा, इसके टायर सेक्शन की बात करें तो 185/65 R15 15 इंच का कुछ ऐसे मिलेगा स्टील व्हील, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ये टूल किट वगैरह सारी चीज़ें हैं, और अभी इसे कर लेते हैं बंद, और अभी बात करते हैं गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल की। सो अभी बात करें कि ये डेल्टा वेरिएंट ऑटोमेटिक वाला आपको क्या क्या ऑफर करता है अपनी बाहर की प्रोफाइल से, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं, बट मेरा काम बताने का तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पूरी गाड़ी देख रहे हो कि हाँ भाई इसमें अलग तो कुछ नहीं मिल जाता आपको ऐसा, तो बता देता हूँ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है इसमें अलग। और यहाँ पर आप हेडलैम्प से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प है, जो कि अपना येलो लाइट आपको ऑफर करेंगे, ये पार्किंग बल्ब, इंडिकेटर वगैरह, ब्लैक टिंट भी मिलता है इसके अंदर, और सिल्वर की लाइनिंग वगैरह मिलती है जो थोड़ा सा DRL जैसी लुक देती है गाड़ी को। यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह के लिए लेआउट मिलता है, फॉग लैंप नहीं आते हैं। ग्रिल आप देख सकते हो पूरा क्रोम का लिप है, तो इसकी वजह से आपको ग्रिल खाली खाली नहीं लगेगी, सुजुकी का लोगो है। और गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना, स्टॉक के अंदर खड़ी हुई तो रेत वेत लगना आम बात है। ये गाड़ी की डायमेंशन है देख लो कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है, साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बातचीत करें तो यहाँ पर अपोलो का सेम टायर है, जो कि अपना स्टेपनी मिलती है, 185/65 R15 15 इंच का कुछ ऐसे मिलेगा, स्टील व्हील, आगे डिस्क पीछे ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगी, और इनके ऊपर व्हील कैप आएंगे जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हो रखे हैं, तो वो इंस्टॉल होंगे जब इस गाड़ी की डिलीवरी होगी। ये अपना बॉडी कलर्ड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट हो जाते हैं अंदर की साइड से। और ये है पूरी प्रोफाइल, ये देखो, मतलब व्हाइट कलर के अंदर लगती बहुत बड़ी बड़ी सी है, खुली खुली सी, और थोड़ा प्रीमियम सा कलर लगता है कि हाँ भाई इजी टू मेंटेन है, कभी भी आप निकालना चाहो तो खड़े खड़े बिक जाएगी, कलर की वजह से तो कभी नहीं रुकेगी। ऊपर की साइड एक नॉर्मल एंटीना है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर आता है इस गाड़ी को, पीछे वाइपर वगैरह नहीं है, नेक्सा का स्टिकर है, ये कुछ ऐसे मिलते हैं, टेल लैंप्स ये देख लो, बलिनो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा वेल्टा की कोई ऐसी खास बैजिंग नहीं आती, और ना ही कोई ऐसा लिखा मिलेगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सिंपल ऐसी है। सुजुकी का लोगो है, चार पार्किंग सेंसर्स, 1, 2, 3, 4, ये रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, येलो लाइट मिलेगी यहाँ पे, ये है पूरा सीन। और इधर से डलेगा गाड़ी में पेट्रोल यहाँ से, और एक सेकंड इसका इंजन कंपार्टमेंट चेकआउट कराता हूँ, क्योंकि इंजन में क्या मिलता है भाई, इंजन में तो कोई मतलब ऐसी अलग चीज़ नहीं मिल जाती ना आपको, तो इंजन की बात करते हैं एक सेकंड।
सो गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखोगे तो इंसुलेशन पैडिंग आपको मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलता है 1197 cc का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, सुपर स्मूथ सुपर साइलेंट, मतलब बिल्कुल पता तक नहीं चलती है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो। और ये आपको 88 bhp निकाल के देता है, 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन, और 37 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है जिससे 22 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है इस ऑटोमेटिक के साथ भी। तो इंजन आपके सामने ये देख लो, बैटरी वगैरह की प्लेसमेंट और नीचे से पूरी कवरिंग मिलती है ताकि छोटी हो या बड़ी हो कोई भी चीज़ हो एकदम डायरेक्टली हिट ना करे इंजन को और आपका इंजन प्रोटेक्ट रहे। तो इसे एक सेकंड बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं हम एक सेकंड में। तो भाई ये थी आपके सामने बलिनो डेल्टा ऑटोमेटिक, आपकी क्या राय है प्लीज़ इस गाड़ी के बारे में ज़रूर शेयर करना। अगर कोई भाई अगर ओन करते हैं इस गाड़ी को अगर वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर दें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, और अगर कोई प्लान कर रहा है उसके लिए भी। तो अगर कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और ये थी आपके सामने गाड़ी, क्या राय है प्लीज़ शेयर करना कॉमेंट्स में, जहाँ भी देख रहे हो वहाँ पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ऐसे अपना प्यार बनाए रखो, और हम फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।